हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मौशमी मिनी पार्क से। और आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं प्लूमेरिया पुदीका यानी नाग चंपक के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगी। वैसे तो मेरी प्लूमेरिया पुदीका इस प्लांट के बारे में एक वीडियो है, लेकिन वो उन दिनों की बात है जब मैं बहुत ही रुक रुक के हिंदी बोलती थी आज की तरह पटर पटर हिंदी नहीं बोल पाती थी। तो मैं बहुत मेहनत की है मेरी हिंदी को सुधारने के लिए, क्योंकि उस समय की जो वीडियोस मैं बना चुकी उस वीडियोस के लिए मुझे अभी भी बहुत कमेंट्स आते हैं कि बहुत ही स्लो बोलते हो, रुक रुक के बोलते हो। तो मुझे बुरा तो लगता है, लेकिन असल में मैं तो वैसा ही बोलती थी तो फ्रेंड्स, देख रहे हो मेरी जो नारियल शेल के बनी प्लांटर, उस पे मॉस रोज कैसे खूबसूरती के साथ खिल रहे हैं और दिखने में बहुत खूबसूरत दिख रही है। तो ये है मेरी प्लूमेरिया पुदीका यानी नाग चंपा। तो ये प्लांट कटिंग से आसानी से ग्रो होते हैं, और कटिंग लेते ही इसको नहीं लगाना होता है, कुछ दिन पड़े रहने देने पड़ते हैं और बाद में इसको मिट्टी में लगाया जाता है, तो 100% ये ग्रो हो जाते हैं। तो इसको वेल ड्रेन सॉइल में रखना पड़ता है, और इसकी जो पानी की मैं तो रोज़ ही पानी देती हूँ इस प्लांट को, लेकिन ये प्लांट दो एक दिन अगर पानी ना भी दो ये बर्दाश्त कर लेते हैं। और क्योंकि मेरी धूप में पड़े रहते हैं प्लांट्स, और मैं जब सब प्लांट्स को पानी देती हूँ तो इस प्लांट को भी पानी देती हूँ। और ये नोटिस कर रहे हो, ये देखो हर एक टिप पे इसकी जो बड्स ये बने हैं, तो ये फ्लावरिंग करते हैं ऐसे, इसकी जो ब्रांचेस की टिप है वहाँ पे बर्ड्स बनते हैं। तो इसकी ज़्यादा मात्रा में इसकी फ्लावरिंग पाना हो तो इसको प्रूनिंग करना पड़ता है। प्रूनिंग करने से इसकी ब्रांचेस ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं, और ज़्यादा ब्रांचेस यानी ज़्यादा फ्लावरिंग। तो मैं जो मिट्टी इसमें डाली हूँ ये तो गोबर मिट्टी में मैं प्लांट्स रखी हूँ, और देखो छोटी सी पॉट में, ये 12 इंच की एक पॉट है, और देखो कितने अच्छे से इसकी ग्रोथ हुई है। और इसकी फ्लावरिंग पाने के लिए इस प्लांट को कड़ी धूप में रखनी पड़ती है। ये प्लांट धूप में ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, सेमी शेडेड एरिया या फिर शेड में रखो तो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाते हैं लेकिन फ्लावरिंग नहीं होते। और इसकी फ्लावरिंग गुच्छों में आते हैं, और इसकी फ्लावर्स की कोई खुशबू नहीं होता है चंपा की तरह। और हालांकि ये चंपा की फैमिली में बिलोंग करता है, लेकिन इसकी फ्लावर्स की कोई खुशबू नहीं होते। तो लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत दिखता है अगर चार पांच ब्रांचेस एक साथ फ्लावरिंग करता है तो देखने में बहुत खूबसूरत दिखता है। मेरी जो पहली वाली वीडियो वो भी आप चेक कर सकते हो, बहुत अच्छे से तब इसकी फ्लावरिंग हो रही थी। तो कटिंग से ये आसानी से ग्रो होते हैं, ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा केयर करने भी नहीं ज़रूरत इस प्लांट की। तो बहुत ही एक अच्छी प्लांट है आपकी गार्डन में, साल भर लगभग साल भर इसकी फ्लावरिंग होते रहते हैं, और विंटर में थोड़ी स्लो हो जाते हैं, लेकिन लगभग हर महीने में इसकी फ्लावरिंग आप देख सकते हो, कोई ना कोई ब्रांचेस में इसकी फ्लावरिंग होते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय।